है जो, हाँ जो बराबर अभी गयो लाइव तुम्हारो ये उन बन जाते हैं ये आपका अबे ना जाया करे ये तो जूनू छे हेलो हाय फ्रेंड्स कैसे सर आप अमूल पेज पे आप सबका स्वागत है जल्दी जल्दी जुड़िए हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे आप सब मुझे सुन पा रहे हैं तो थम दीजिए फटाफट जुड़ जाइए हम आज एक स्वीट रेसिपी बनाएंगे जो बूंदी हम जनरली सादी बूंदी बनाते हैं इसमें मैं आज आपको चार प्रकार के फ्लेवर करके बताऊंगी जिसमें फ्रूट फ्लेवर भी होंगे चॉकलेट भी होगा फटाफट से जुड़िए हम रेसिपी स्टार्ट करें सबसे पहले घी और तेल मिक्स करके मैंने गरम करने रख देते हैं जिसमें हमें बूंदी बनानी होगी अमूल का घी हमने यूज किया है चाहे तो आप खाली तेल भी यूज कर सकते हैं और खाली घी भी यूज कर सकते हैं मैंने इसमें दोनों यूज किया है क्योंकि घी की स्मेल काफी लोगों को कम पसंद आती है इसलिए ये गरम हो रहा तब तक हम बूंदी का बैटर बनाएंगे हम बूंदी बना रहे हैं फ्लेवर वाली बूंदी बना रहे हैं सादी बूंदी नहीं बनेगी इसमें चार तरह के फ्लेवर करेंगे हम इसमें एक कप बेसन लेंगे जो भी घर की कोई भी नॉर्मल कटोरी होगी उससे एक कप ले लीजिए और उसमें पानी डालेंगे पौना कप जितना पानी डालेगा और उसका हम बैटर बना लेंगे लम्स नहीं पड़ने चाहिए थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और हम मिक्स करते जाएंगे बेसन आपको पैकेट का बेसन लेना होगा इस तरह से घोल के हम इसका बैटर बनाते जाएंगे थोड़ा अभी और पानी की जरूरत है
इसका बैटर ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसा होना चाहिए कि हम इसको ऐसे करें तो वो बूंदी की तरह गिरना चाहिए। मैंने इसमें पहले से थोड़ी सी बूंदी बनाकर रखी है, ये खाली हम कैसे बनाएंगे वो आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए ऐसा बैटर बनना चाहिए जो आसानी से फ्लो हो रहा है, जैसे हम चम्मच से गिराएंगे तो आसानी से फ्लो होगा ऐसा। ये बैटर बनके रेडी है। अब हमें लगभग जैसे बूंदी बनाने के लिए झारे की जरूरत होती है, तो हम झारे के बिना बनाएंगे। जो हम घर में किसनी रखते हैं, लौकी या गाजर का किसते हैं, वो हम किसनी से बनाएंगे। थोड़ा ये गर्म हो जाए तेल, तब तक हम इसको फेंट लेते हैं अच्छे से। इसको हम चार फ्लेवर में बनाएंगे, एक मैंगो का फ्लेवर बनेगा, एक ऑरेंज बनेगा, एक ब्लैक करंट बनेगा और एक नटेला बनेगा, जिसमें नटेला की पेस्ट जो हमें रेडी आती है वो मिलेगी। मैंगो और टैंग का पाउडर जो हमें बाजार में मिलता है हमने वो ही ले लिया है, क्योंकि वो अरसा में इजीली कभी भी आप बना सकते हो। उसके साथ हमने ड्राई फ्रूट्स लिया, मैंगो के साथ मैंगो गार्निशिंग में लिया हुआ है। जब तेल गर्म हो जाए फिर हम बूंदी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह की हम बूंदी बना के रखी हुई है मैंने, ये प्लेन बूंदी है ना, इसमें कलर भी कुछ नहीं है, नमक भी नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेन बूंदी है। क्योंकि हमें इसे फ्लेवर करना है इसलिए हमें कोई भी एसेंस या कलर या कुछ यूज नहीं किया, क्योंकि इसमें मैंगो का फ्लेवर आएगा तो वो शादी होगी तो मैंगो का फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा। मैंगो है, ऑरेंज है, ब्लैक करंट है, कोई भी फ्लेवर हमें देना है तो हमें प्लेन ही बनाना पड़ेगा। केसर वाली बनानी है तो आप केसर है या ठंडाई फ्लेवर का बनाना है तो उसमें केसर का यूज कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, ये मेरा तेल गर्म हो चुका है, इसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे। ये इस तरह से रख के हम इसमें बूंदी गिराएंगे, हल्का हल्का इसको टैप करना। देख रहे हैं ऐसे बूंदी रेडी हो गई, थोड़ा सा क्रिस्पी करना है इसको। बूंदी के साथ ही निकाल लेते हैं, बहुत इजी तरीके से बन जाती है, कोई भी बना सकता है, झारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। एक बार और बता देती हूँ, हल्के से टैप करना है।
बूंदी के हम सॉल्ट ग्लास में सर्व करेंगे, जो आप पार्टी में आसानी से सर्व कर सकते हैं, पहले से बना के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि आपके घर में पार्टी है तो आप अगले दिन ये बना के रख दीजिए, तो तुरंत आप सर्व कर सकते हैं और फ्री भी रह सकते हैं। कोई भी फ्लेवर आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ी एक कप भी पहले से बना के रख दी है। अब उसको हम फ्लेवर करने के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। अब जितना हमने बेसन लिया था एक कप, उतनी ही शुगर लेके इसको हम हटा देते हैं। ने जितना बेसन लिया था उतनी ही शुगर लेके उसको मैंने खाली पानी में डिसॉल्व कर लिया है और एक बॉईल कर लिया है। अब इसको हम चार भागों में करेंगे। इसके लिए एक फिर से कढ़ाई ले लेंगे और एक बॉल एक निडल लेके चाशनी गरम कर लेंगे। से बूंदी हमें गरम चाशनी में ही डालना होगा। पहला फ्लेवर हम करेंगे ऑरेंज का। ये ऑरेंज का पाउडर जो बाजार में हम शरबत के लिए लेते हैं, बच्चों को देते हैं, वही है। इसमें हम एक चम्मच ले लेते हैं, एक से डेढ़ चम्मच। और मिक्स कर देंगे। चाशनी के लिए हमने ऑलरेडी पहले से खाली, इसको हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ शुगर डिजोल्व होके एक बॉईल आके हमने चाशनी बंद कर देनी। इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। फिर एक दूसरे फ्लेवर के लिए फिर से चाशनी ले लेते हैं, इसको एक बॉईल कर लेते हैं। इसमें अब डालेंगे मैंगो। आप चाहे तो इसमें मैंगो का रस भी यूज कर सकते हैं। इसको बॉईल करते करते ये जो हमने पहले बनाया है उसमें बूंदी डिप कर देंगे। ये फ्लेवर की हो गई। दूसरा फ्लेवर रेडी हो जाएगा। एक तीसरा ब्लैक करंट लेंगे। अब इसमें भी थोड़ी बूंदी डिप कर लेंगे। ये ऑरेंज और मैंगो दो फ्लेवर
में ब्लैक करंट है, जो हम अभी अंगूर आती है काली वाली उसको क्रश करके खाली एक बार बॉईल दे दिया है और इस तरह से एक सिरप बना लिया। ये सिरप हम इसमें डालेंगे और इसको बॉईल आने देंगे। ये ब्लैक करंट वाली फ्लेवर इसी में हम ले लेंगे चौथा फ्लेवर नटेला का। जो रेडी मिलता है वही नटेला है, आपको टेस्ट के अनुसार। ऐड करेंगे ब्लैक करंट में उंगली डाल देंगे और नटेला आलू में डाल देंगे। इसको आधे घंटे तक सोक करना है क्योंकि हमें यहाँ पे तुरंत सोक करना है। हमने बूंदी बनाई है चार फ्लेवर की। बूंदी जनरली जैसे बनाते हैं सादी वैसे ही बनाई है। एक कप बेसन लेकर 1/4 कप पानी से उसका बैटर बना के घी और तेल मिक्स करके मैंने किया है। आप खाली घी और खाली ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी बूंदी बनाई है। उसके बाद हमने चार फ्लेवर किए हैं, एक मैंगो है, ऑरेंज है, ब्लैक करंट है और नटेला। चार फ्लेवर की करिए। अब इसको हमें आधे घंटे तक वैसे तो सोक करना होता है क्योंकि जब तक बूंदी वो चाशनी पिएगी नहीं तो वो टेस्ट आएगा नहीं। फिलहाल हमें ऐसे ही सोक करना है क्योंकि इतना वेट नहीं कर सकते। फिर हमने ऐसे छोटे छोटे ग्लास लिए हैं, ये पार्टी में आप इस तरह से ग्लास में सर्व कर सकते हैं। ये सोक होगा तो चाशनी एकदम पी जाएगी और थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी। ये मैंगो फ्लेवर सॉल्ट ग्लासेस में हम सर्व करेंगे। ये ऑरेंज की है, अभी ये ढीली लग रही है, मतलब लिक्विड है इसमें ज्यादा। जब ये बूंदी एकदम चाशनी पी जाएगी तो थोड़ा लिक्विड कम हो जाएगा। ऑरेंज और मैंगो का जो हम टैंग पाउडर यूज करते हैं गर्मी में पीने के लिए शरबत के लिए, वो पाउडर यूज किया है। और ब्लैक करंट जो अभी अंगूर आ रही है उसका मैंने सिरप बना के लिया है।
ये ब्लैक करंट है, और नटेला जो हमें बाजार में मिलता है पेस्ट वो लिया है एक नटेला फ्लेवर का। मैंगो वाले में मैंगो के पीसेस से गार्निश करेंगे, थोड़े से काजू और किशमिश ऊपर से क्रंच के लिए। ऑरेंज वाले में वाटरमेलन सीड और पिस्ता, ब्लैक करंट में भी वाटरमेलन सीड, नटेले में काजू, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी आप कमेंट्स में बताइएगा। ये रेडी है अभी फ्लेवर्ड बूंदी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चार फ्लेवर की बूंदी रेडी है, कोई क्वेरी नहीं, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। बाकी नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। आज की रेसिपी फिनिश करती हूँ।